हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सिक्स के चैप्टर सिक्स अराउंड चेंजेज अराउंड अस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हीट के कारण कौन कौन से चेंजेज आते हैं सब्सटेंसेज में, जो उनकी स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, कुछ बर्न हो जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ में कुछ हार्मफुल गैसें निकलती हैं, कुछ एक्सपेंड, कुछ गर्म होकर के उनकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। ये हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे चेंजेज कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स। यानी अगर हम किसी सब्सटेंस पर फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, उसको दबाएं, तो उसमें क्या क्या चेंज होगा। उसको अगर हम किसी हथौड़े वगैरह से उसको प्रेस करें तो क्या होगा, उसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे। तो इसमें देखिए, व्हेन यू फोर्स एयर इनटू ए बलून बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ योर लंग्स। क्या करते हैं, जब हम एक बलून के अंदर एयर फोर्स करते हैं, यानी एयर भरते हैं उसमें, द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून चेंजेस। तो जो बलून की साइज है, शेप है, वो चेंज हो जाती है, यानी वो फूल जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। इफ़ यू कंटिन्यू इन्फ्लेटिंग द बलून विद मोर एंड मोर एयर, अगर हम उसमें और भी ज़्यादा हवा भरते जाते हैं, ए स्टेज कम्स व्हेन द बलून बर्स्ट, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बलून फट जाता है, एंड इट्स शेप चेंजेज अगेन, और इसकी शेप जो है वापस चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली द ट्यूब विद इन ए टायर चेंजेज इट्स शेप। इसी तरह से जब हम किसी जो टायर की ट्यूब है उसके अंदर हवा भरते हैं, तो वो भी इसी तरह से उसकी साइज चेंज हो जाती है, इसकी शेप चेंज हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है साइज में, एंड फिट्स कम्प्लीटली इन इट, और इसमें पूरी तरह से फिट हो जाती है टायर में। व्हेन इन्फ्लेटेड विद कंप्रेस्ड एयर, जब हम इसमें एयर भरते हैं, मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जो मेटल्स होती हैं उनको हम हथौड़े से या किसी अदर जो फैक्ट्री वगैरह में किसी ऐसे हार्ड सब्सटेंस पर, जो ऐसे हार्ड मटेरियल से उनको जब हम उसको प्रेस करते हैं, तो उसमें वो थिन सीट यानी पतली चादरें उसकी बन जाती हैं। द गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स आर प्रिपेयर्ड बाय जेंटली हैमरिंग द स्मॉल पीसेज ऑफ दीज मेटल्स विद वुडन हैंडल्स। क्या करते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर लीव्स हैं उनके बहुत छोटी छोटी जो ज्वेलरी वगैरह बना ली जाती हैं, कुछ लीव्स हैं गोल्ड और सिल्वर की, वो बनाई जाती हैं। हैमर को बहुत ही जेंटली, बहुत केयरफुल तरीके से उसमें यूज किया जाता है हैमर को, उनकी पतली जो सीट्स हैं वो बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर की। नेक्स्ट देखिए, द रबर बैंड्स बीइंग इलास्टिक चेंज दियर शेप व्हेन स्ट्रेच्ड, जो रबर बैंड होते हैं वो इलास्टिक होने के कारण जब हम उनको खींचते हैं तो उनकी भी शेप में चेंज होता है, इन उनमें जब हम फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप में चेंज हो जाता है। कॉटन फाइबर्स विच आर फ्लफी आर स्पन इनटू थिन थ्रेड्स, कॉटन फाइबर्स जो फ्लफी होते हैं, थिन थ्रेड्स यानी पतले पतले धागों से बनाए जाते हैं, बाय अप्लाइंग राइट अमाउंट ऑफ फोर्स, जिनको एक स्पेशल फोर्स लगा करके उसको स्पन किया जाता है, उनको बुना जाता है, बुनाई करते हैं उनकी। ठीक है, द थ्रेड्स आर देन वूवन इनटू क्लोथ ऑन लूम्स बाय अप्लाइंग द राइट अमाउंट ऑफ फोर्स, इस तरह से एक फोर्स लगा करके, अलग से स्पेशल फोर्स लगा करके उसको फिर कपड़ों के अंदर बुन दिया जाता है, बुनाई कर दिया जाती है, वूवन कर दिया जाता है उनका, विच चेंजेस फ्लफी, जिससे वो फ्लफी हो जाते हैं, फूले फूले से लगते हैं। ठीक है, कॉटन क्लोथ, इस तरह से उनकी भी शेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है चेंजेज कॉज्ड बाय डिजॉल्विंग, हम किसी सब्सटेंस को किसी अदर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनमें भी शेप में चेंज हो जाता है, उनके जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, उसमें भी चेंज हो जाता है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द सब्सटेंसेज सच एज कॉमन साल्ट, कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स एट्सेट्रा आर सोल्यूबल इन वाटर, हम जानते हैं कि ये सभी चीज़ें क्या हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग ए चेंज इज ब्रॉट इन द सोल्यूबल सब्सटेंस, ये सब इनमें जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं तो इनमें भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। यू हैव ऑल्सो लर्नड दैट इक्वल अमाउंट्स ऑफ ऑल सोल्यूबल सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन एनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर, हम ये भी जानते हैं कि हर सब्सटेंस की
इक्वल अमाउंट वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती। जैसे कि अगर हम NaCl की बात करें कॉमन साल्ट की, तो उसमें 10 ग्राम घुल जाता है, सपोज कीजिए कॉपर सल्फेट की, अगर जरूरी नहीं कि कॉपर सल्फेट उसमें 10 ग्राम ही घुल जाए, कम भी घुल सकता है, ज़्यादा भी घुल सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस है जो कुछ कम घुल सकते हैं और कुछ ज़्यादा घुल सकते हैं, कुछ कम डिजोल्व होते हैं, कुछ ज़्यादा डिजोल्व होते हैं। इन अदर वर्ड्स सर्टेन सब्सटेंसेज आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं क्योंकि कुछ सोल्यूबल जो कुछ सब्सटेंस हैं वो मोर सोल्यूबल होते हैं और कुछ लेस सोल्यूबल होते हैं, कम सोल्यूबल होते हैं। फर्दर मोर इसी के साथ में और हम बात करते हैं, यू हैव लर्नड दैट, हमने ये भी पढ़ा है, विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट, तो इसमें बहुत से सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे 1 किलोग्राम हमारे पास शुगर है, उसको हमको आधा किलो वाटर के अंदर या आधा लीटर पानी के अंदर हमको डिजॉल्व करनी है, तो ऐसे तो उसमें डिजॉल्व होगी नहीं, हम क्या करते हैं पानी को गर्म कर लेते हैं फिर उसमें डिजॉल्व करते हैं, तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाती हैं। यानी टेम्परेचर में इंक्रीजेशन करने पे उसमें कुछ सब्सटेंस और भी ज़्यादा डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑन कूलिंग दिस सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को ठंडा करने पर दी एक्सेस डिजॉल्व सब्सटेंसेज इन इट कम आउट, वो जब इसको ठंडा करते तो इसमें जो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन एक्स्ट्रा जो डिजॉल्व सब्सटेंस है वो इसमें बाहर आ जाता है क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जम जाता है कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या है, इनको देखिए, ए चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंज। यानी वे चेंज जो रिवर्सिबल, एक बार अगर हम कोई नया सब्सटेंस बना दें किसी चीज़ से तो वापस हम पुराना सब्सटेंस ऑब्टेन कर लें उससे, वो होता है रिवर्सिबल चेंज। इन दिस चेंज द प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, जो हमने सब्सटेंस बनाया है इसमें उससे हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस हमारा प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स रिवर्सिबल चेंज इज द वन इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेंड बैक बाई रिवर्सिंग द एक्शन। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज क्या है, जिसके अंदर हम इनिशियल सब्सटेंस हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे बात करें हमने वाटर को फ्रीज किया तो उससे क्या बन गया, सॉलिड आइस बन गई। अब हम उस आइस को वापस मेल्ट करेंगे तो हमको फिर से वाटर मिल जाएगा, तो हमको ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाता है इसमें रिवर्सिबल चेंज में, जबकि इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। ए चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन ऑन रिवर्सिंग द कॉज इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज, जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं कर सके उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इन दिस चेंज द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, इसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इरिवर्सिबल चेंज इज द वन इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेंड बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। इट इज थस इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट सच ए चेंज मस्ट बी अलाउड टू टेक प्लेस ओनली वैन नेसेसरी। यानी इसमें अगर एक बार कोई सब्सटेंस बन गया तो हम वापस उससे ओरिजिनल सब्सटेंस ऑप्टेन नहीं कर सकते, ये होता है इरिवर्सिबल चेंज। जैसे हम बात करें अगर हम कार्बन को बर्न कर देते हैं, वुड को बर्न कर देते हैं, लकड़ी को, तो उससे हम वापस दोबारा कार्बन या जो वुड है वो ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं, ये होता है इरिवर्सिबल चेंज। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट